अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाने की बात की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन मेक और पे टू द महात्मा द फादर ऑफ द नेशन इज टू मेक द कंट्री ओपन डेफिकेशन फ्री बाय द टाइम वी सेलिब्रेट हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 2 अक्टूबर 2019। सच ए लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हैज नेवर बीन इमेजिन्ड और इंप्लीमेंटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आज भारत में सभी अर्बन लोकल बॉडीज ODF हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन बन गया। ये मिशन अंत्योदय से सर्वोदय की कल्पना का एक जीता जागता उदाहरण है। पिछले साल आयोजित 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने स्वच्छता श्रमदान किया था और जैसे अभी आपको बताया गया 8,75,00,000 लोगों ने अलग अलग शहरों में 9,00,000 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करते हुए दिखाई दिए। माननीय राष्ट्रपति जी, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स मिशन का एक अभिन्न अंग बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने हमारे शहरों को स्वच्छ बनाने के प्रयास में सख्त प्रक्रिया और अनुशासन को इंटीग्रेट किया है। टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू ऑनर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड सिटीज। 2016 में एक मॉडेस्ट बिगिनिंग हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण अपने श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बन चुका है। द सर्वेक्षण हैज बिकम अ वाइटल कंपोनेंट इन इंश्योरिंग इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर सिटीजन्स बाय फॉस्टरिंग हेल्दी कंपटीशन बिटवीन सिटीज। इट इज अ रोबस्ट थर्ड पार्टी असेसमेंट that has expanded its scope and parameters, incorporating field observations and assessments and structured citizen feedback. Mananiya Rashtrapati ji, it is with great pride that I submit to you that assessors visited 1,100,000 waste processing facilities, landfills, dump sites and public toilets across 4,447 cities. Citizen participation exceeded over 12 crores in this edition of the survey. Mananiya Rashtrapati ji, hum 2014 se ek lamba safar tay kar chuke hain. Swachh Bharat Mission Urban ke tahat ab tak 67,16,000 toilets aur 6,36,000 कम्युनिटी टॉयलेट्स बना चुके हैं। ODF सर्टिफिकेशन इंडिकेट कि हमारे शहरों में से 3,901 आर ODF प्लस, 1,425 आर ODF प्लस प्लस एंड 64 वाटर प्लस सिटीज। यूनिसेफ और नीति आयोग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में बहुत सारे सुधार एवं लाभ देखने को मिलते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, हम अपनी इन उपलब्धियों के बाद भी शांत नहीं बैठे हैं। हमने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की है,
जिसका मुख्य उद्देश्य है यूज वाटर मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शामिल करके स्वच्छता के दायरे को बढ़ाना है। अभी मनोज जोशी जी आपसे बता रहे थे और इस चीज को मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला उस समय उस जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या कचरा प्रोड्यूस करते हैं उसमें से सिर्फ 15-16% जो है उसकी प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेसिंग होती थी। आज हम 2014 के 15-16% को लेके वी आर प्रोसेसिंग आई थिंक क्लोज टू 76% ऑफ आर वेस्ट एंड वी हैव रिजॉल्व कि अगले 2-3 सालों में वट एवर बी द चैलेंजेस हम 100% वेस्ट प्रोसेसिंग कर लेंगे और इसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी होगा। The budget for 2023-24 announced a plan to set up 75 waste processing plants in urban areas through the Gobardhan scheme. Already, Honorable President, Madam, I am very pleased to submit that 73 plants have already been approved, capable of handling 9,880 tons of waste every day. We are ensuring that material recovery facilities या MRFs are in place at least one in each city to separate inorganic waste. परमादरणीय राष्ट्रपति जी, सरकार के टाइम बाउंड मैनर से उन सभी पुराने कूड़ेदानों को नष्ट करने के लिए भी प्रतिदिन और हमारे पर्यावरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। Therefore, we are undertaking bioremediation and the conversion of these legacy dump sites and converting them into energy, and this is being undertaken on a priority basis. Desh bhar mein aadhe se adhik ULBs ne khud ko safai mitra surakshit ghoshit kiya hai. By the end of this mission, we will have fully transitioned from manhole to machine hole. परमादरणीय राष्ट्रपति जी, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों के बीच में एक व्यवहार परिवर्तन लाया है। इस मिशन ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वच्छता केवल एक बार का प्रयास नहीं है बल्कि जीवन जीने के का एक सतत तरीका है। अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। अगली पीढ़ी जो कि भारत के अमृत पीढ़ी है न केवल स्वच्छता आंदोलन के महत्व को समझती है बल्कि इससे उत्साहपूर्वक भाग भी ले रही है। भारत की अमृत पीढ़ी स्वच्छता की सोच की और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी और 2047 तक विकसित भारत बनने की सपने को साकार करेंगे। लाइक आर अवार्ड विनर्स टुडे आई अर्ज एवरीवन टू ड्रॉ इंस्पिरेशन from this collective goal and work towards a cleaner and healthier India. Bahut bahut dhanyawad. आपके निरंतर मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। स्वच्छता के आंदोलन को 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण से एक नया आयाम मिला जिसके तहत भारत के हर शहर को स्वच्छ बनाने की एक नई मुहिम शुरू हुई। 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट्स डैशबोर्ड बनाया गया है। अब हम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट डैशबोर्ड को अपने कर कमलों द्वारा अनावरण करें। स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है स्वच्छता। हम सभी का स्वाभिमान है स्वच्छता। हमारे भारतवर्ष की पहचान है स्वच्छता।
और इसी पहचान को विश्व स्तरीय बनाने, सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और शहरों के बीच स्वच्छता के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 में शुरुआत हुई स्वच्छ सर्वेक्षण की। मात्र 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज वर्ष 2023 में 4,477 शहरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन एवं क्लीनलीनेस सर्वे बनकर उभरा है। ये सर्वेक्षण 3 पैरामीटर्स के आधार पर कुल 9,500 अंकों के साथ शहरों में स्वच्छता की प्रोग्रेस का आकलन करता है। पहले सर्विस लेवल प्रोग्रेस में सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे आयामों पर जोर दिया जाता है। दूसरे सर्टिफिकेशन पैरामीटर में ओपन डेफिकेशन फ्री और गार्बेज फ्री सिटी जैसे सर्टिफिकेशन के अंकों को जोड़ा जाता है। और तीसरे सिटीजन वॉइस में नागरिकों की प्रतिक्रिया से जुड़े अंकों के साथ सर्वेक्षण पूरा होता है। साथ ही मूल्यांकन पैरामीटर को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे गंगा टाउन, छावनी बोर्ड आदि। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ, जो गार्बेज फ्री सिटीज के सपने के उद्देश्य के साथ चुनी गई है, जिसका मूल्यांकन 4,477 शहरों, 92,720 वार्ड्स और करीब 1,20,000 साइट्स में ऑन कॉल और ऑन फील्ड वैलिडेशन मिलाकर 4 फेज में पूरा किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को सफल बनाने के लिए 4,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने वार्ड टू वार्ड जाकर मूल्यांकन को पूरा करने का कार्य किया, जिसके दौरान 19 लाख से अधिक ऑन फील्ड और 1.5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड अब लाइव है, जिसके माध्यम से सभी शहर एवं नागरिक अपने क्षेत्र में होने वाली सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग समेत अपनी सिटी या स्टेट रैंकिंग जैसी कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले वर्षों में स्वच्छता को एक नए आयाम पर ले जाने की तैयारी कर सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पल, जिसका हम सभी को इंतजार है, परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार वितरण। कृपया ध्यान दें, अवार्ड की उद्घोषणा के साथ ही एक वीडियो के माध्यम से पुरस्कार की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद अवार्डीज आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड ग्रहण करेंगे। हम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जाता है पहली बार इंदौर एवं सूरत को एक साथ। इंदौर एवं सूरत एक साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इंदौर ने भारत की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीत लिया है। इंदौर में किया जाता है 6 बिन से डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, जिसके चलते इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7-स्टार रेटिंग। और बायो सीएनजी प्लांट में कचरे को बायो सीएनजी में बदला जा रहा है। इंदौर की स्वच्छता में है दम, इसलिए इस वर्ष भी वो है नंबर 1। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को 7वीं बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टीम इंदौर। आइए देखते हैं पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनने की चुनौती सफल कर दिखाने वाले सूरत के अथक एवं निरंतर प्रयासों की एक झलक।
सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में रिसाइकल्ड प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। हर रोज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की मदद से सूरत को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7-स्टार रेटिंग। हर सुविधा से लैस अपने अत्याधुनिक टॉयलेट्स की सहायता से वाटर प्लस सिटी बन चुके सूरत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो है स्वच्छता में नंबर वन। श्री दक्षेश मवानी माननीय मेयर सूरत की अगुवाई में टीम सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीम सूरत का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है नवी मुंबई महाराष्ट्र। आमची नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतकर पूरे देश में अपनी स्वच्छता का परचम लहरा दिया है। नवी मुंबई को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7-स्टार रेटिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से नवी मुंबई अब बन गई है वाटर प्लस सिटी। नवी मुंबई ने अपनी स्वच्छता से पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है और नई पहचान बनाई है। श्री राजेश नार्वेकर कमिश्नर नवी मुंबई के अगुवाई में देश के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में तृतीय स्थान के पुरस्कार को दूसरी बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर सासवत महाराष्ट्र। सासवड अपनी स्वच्छता के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है भारत के 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्रतिदिन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करके MRF प्लांट में वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है, जिसकी सहायता से सासवड को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 3-स्टार रेटिंग, जो स्वच्छता में सासवड की स्वर्णिम गाथा को पूरे विश्व में बयां कर रहा है। कलेक्टर पुणे के अगुवाई में टीम सासवद 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। एक लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पाटन छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ का पाटन जीत गया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में किए जाने वाले वेस्ट सेग्रीगेशन की मदद से पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 5-स्टार रेटिंग। साथ ही ऑटोमेटिक सक्शन व्हीकल की मदद से किए जा रहे हैं सीवर साफ, जिससे पाटन बन गया है ODF प्लस प्लस शहर। पाटन ने स्वच्छता के प्रति अपने समर्पण से जीत लिया है पूरे देश का मन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं टीम पाटन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है लोनावला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोनावला
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है 1 लाख से कम की आबादी वाले तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। लोनावला अब बन गया है डस्टबिन फ्री सिटी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर के लिक्विड वेस्ट को स्वच्छ बनाया जा रहा है, जिससे लोनावला वाटर प्लस सिटी बन गया है और कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री वेंकटेश दुर्वास डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट माओ कैंटोनमेंट बोर्ड। महू कैंटोनमेंट ने रच दिया है नया इतिहास और जीत लिया है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब। प्रतिदिन सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का ही नतीजा है, जिसके चलते महू को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। महू में अब मैकेनाइज्ड सक्शन मशीन की मदद से सीवर की सफाई की जाती है और यहाँ के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट टॉयलेट बता रहे हैं कहानी एक नए बदलते महू कैंटोनमेंट बोर्ड की। श्री जीएस राजेश्वरन डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में महू कैंटोनमेंट बोर्ड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर चंडीगढ़। देश के पहले सुनियोजित शहर चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बेस्ट सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा का अवार्ड जीत लिया है। ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा सीवर की सफाई और शहर में बनाए गए सैनिटेशन वर्कर्स बूथ की मदद से रखा जाता है यहाँ के स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सुगमता का ध्यान। श्री अनूप गुप्ता मेयर चंडीगढ़ की अगुवाई में टीम चंडीगढ़ सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। वाराणसी में हर रोज सुबह शहर के स्वच्छता कर्मी मैनुअल क्लीनिंग से करते हैं गंगा के घाटों की सफाई, साथ ही ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीनों के द्वारा गंगा नदी को किया जाता है स्वच्छ। सड़कों पर की जाने वाली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से वाराणसी को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। वाराणसी ने स्वच्छता के प्रति प्रण से जीत लिया है पूरे देश का मन। श्री अरविंद कुमार शर्मा माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम वाराणसी भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा टाउन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पवित्रतम गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जाने वाली गंगा के तटों की सफाई से प्रयागराज बन गया है एकदम स्वच्छ। साथ ही दूषित पानी की सफाई के लिए बने टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से प्रयागराज को मिला है वाटर प्लस शहर का दर्जा। प्रयागराज ने उद्घोषणा कर दी है नए बदलते भारत की। श्री अरविंद कुमार शर्मा माननीय मंत्री जी शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम प्रयागराज भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं।
जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गई है भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। महाराष्ट्र में 1 7-star, 2 5-star, 28 3-star, 82 1-star गार्बेज फ्री सिटीज उभर कर सामने आई हैं। महाराष्ट्र में 21 वाटर प्लस, 261 ODF प्लस प्लस, 87 ODF प्लस और 24 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। महाराष्ट्र ने पूरे देश में अपना परचम फहरा दिया है। डॉक्टर के एच गोविंदराज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट की अगुवाई में टीम महाराष्ट्र देश के सबसे स्वच्छ राज्य के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीत लिया है भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। मध्य प्रदेश में 1 7-star, 1 5-star, 24 3-star और 132 1-star गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। राज्य में 7 वाटर प्लस, 361 ODF प्लस प्लस, 3 ODF प्लस और 7 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के प्रति अपने प्रयत्नों से जीत लिया है पूरे देश का दिल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम मध्य प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जीत गया है देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। छत्तीसगढ़ में 2 5-star, 23 3-star और 47 1-star गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। छत्तीसगढ़ में 1 वाटर प्लस, 164 ODF प्लस प्लस, 1 ODF प्लस और 3 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। छत्तीसगढ़ कचरा मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण, 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। गौरवशाली पल हमारे सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड विजेताओं के लिए, जब दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम विनम्र निवेदन करते हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से, कृपया हम सभी का स्वच्छता के सफर में मार्गदर्शन करें। आज के इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में उपस्थित
मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, शहरी निकायों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ। व्यापक भागीदारी के साथ किया गया ये स्वच्छ सर्वेक्षण और पुरस्कार समारोह भी स्वच्छता के स्तर को ऊंचा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। मुझे बताया गया है कि इस सर्वेक्षण के लिए हर वर्ष एक महत्वपूर्ण विषय नियत किया जाता है और उस विषय से जुड़े मानकों को विशेष महत्व दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि इस थीमेटिक अप्रोच से स्वच्छता अभियान के विभिन्न आयामों को बल मिला होगा। वर्ष 2023 का विषय है वेस्ट टू वेल्थ। ये बहुत अच्छा और उपयोगी विषय है। आपकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वेस्ट इज वेल्थ आपके सुमधुर संगीत बद्धक अंतिम में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तन करना है, संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। आप सब स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। ऐसा करके हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार और कार्य हमारी विरासत के गौरवशाली अध्याय है। सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी के स्वच्छता के आदर्शों को अपने आचरण में ढालकर हम सब गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे सफाई मित्रों हमारे स्वच्छता अभियान के कर्णधार रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से सफाई मित्रों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के जरिए मेन हॉल को समाप्त करके मशीन हॉल के माध्यम से सैनिटेशन का लक्ष्य हासिल करके ही हम एक संवेदनशील समाज के रूप में अपनी सही पहचान बना सकेंगे। ये अत्यंत सराहनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक वस्तुओं को रिसाइकल और रीयूज करने की सर्कुलर इकोनॉमी की पद्धतियां सस्टेनेबल डेवलप के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसा प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सब ने वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए
रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल का विषय निर्धारित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए सभी सदस्य देशों ने रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन की स्थापना के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सभी सदस्य देशों ने पर्यावरण अनुकूल वेस्ट मैनेजमेंट और वर्ष 2030 तक वेस्ट जनरेशन में भारी कमी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स के महत्व को सभी सदस्य देशों ने प्राथमिकता प्रदान की है। देवियों और सोजनों, वैल्यू फ्रॉम वेस्ट की धारणा पर गहराई से विचार करें तो जाहिर होता है कि हर चीज वैल्यूएबल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ग्रीन वेस्ट से बायोगैस बनाने और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल से बिजली पैदा करने के पीछे यही समग्र और प्रगतिशील सोच काम करती है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप सबके आधुनिक विचारों और कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे लगभग एक तिहाई देशवासी शहरों में रहते हैं। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और जीरो डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है और सभी संस्थानों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित असाधारण बालुका शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित अनेक स्वच्छता एम्बेसडर्स विद्यमान है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह है कि आप सब स्वच्छता के दूत की तरह अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करें और सबको स्वच्छता कार्यों के लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर सभी लोग और संस्थान स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे भारत को विश्व का सबसे साफ सुथरा देश बनाने के बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। मैं सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य की मंगल का